स्वागत है आपका बाली पार्ट 3 में और अब हम जा रहे हैं उबुद। पहले की कहानी ये थी कि यार आप किली आइलैंड से आ रहे थे, यॉट से आ रहे थे, मेरे ख्याल से 1 बजे के आसपास आप बाली वापस आ जाओगे किली आइलैंड से, और उसके बाद में यार क्यों दिन वेस्ट करना, राइट? रास्ते में बहुत कुछ मिलेगा आपको, तो यार वो आप कवर कर सकते हो, तो वो वाली बात कर लेते हैं। कैंटो लैम्पो वाटरफॉल और गोवा गंज, ये 2 अट्रैक्शन है जो कि आप रास्ते में कवर कर सकते हो बहुत ही इजी। अगर इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, थोड़ा सा हटके जाना है आपको, थोड़ा नीचे जाना है आपको, तो तेगुलंगन वाटरफॉल काफी एक अच्छा ऑप्शन है। सबसे बड़ा वाटरफॉल है, सबसे फेमस वाटरफॉल है, थोड़ा सा चलना पड़ेगा। वाटरफॉल के बारे में थोड़ा सा ज्यादा आगे जाके बात करेंगे, पर मैं आज आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि रास्ते में क्या क्या कवर कर सकते हो। तो तेगुलंगन वाटरफॉल एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है बाली जू जा सकते हो। जब आप गाड़ी से पहुंच जा रहे होगे, बहुत सारा टाइम होगा आपके पास में, तो यार प्लीज मेरा चैनल खोलना और सब्सक्राइब कर देना, और जो लोग अभी देख रहे हैं प्लीज अभी के अभी कर। तो सुबह यार मल्टीपल ऑप्शन है अपने पास में करने के लिए। तेगा ललंग राइस टेरेसेस एक ऑप्शन है, आप सुबह जाओगे भीड़ कम मिलेगी पहली बार, दूसरी बार यार आप व्यू का भी पूरा अच्छा सा मजा ले सकते हो, राइट? फॉरनर्स को आते हुए देख सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, अच्छा एक्सपीरियंस है वो। दूसरा ऑप्शन ये है, आप जा सकते हो बाली जू, वहाँ पे वो ऑरंगटन्स वो आधे से बंदर टाइप के होते हैं कुछ, मतलब शक्ल चिंपैंजी जैसी होती है लेकिन साइज बंदर जैसा होता है, ऑरंगटन्स बोलते हैं, उनके साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। हाँ, तो थर्ड ऑप्शन है यार एक तुक्कर चेपू वाटरफॉल करके है, वहाँ पर उबुद के आसपास ही है, वहाँ जा सकते हो 11 बजे के आसपास। हाँ, सुबह 11 बजे के आसपास वहाँ से बहुत शानदार, मतलब लाइट आती है इस तरह की, और आप यार फोटोज ले सकते हो इंस्टाग्राम रिवर्स के लिए, तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब शानदार। तो ये 3 चीजें हो गई ना, तो कोशिश करना है तीनों चीजें कवर कर लो, तीन अलग अलग दिन, तीन अलग अलग सुबह। हाँ, एक और चीज, अगर मान लो यार ऑरंगटन्स पे आपको ब्रेकफास्ट करने जा रहे हो सुबह सुबह, तो फिर यार पहले ना जो रास्ते में अपन बात कर रहे थे कि जू चले जाएंगे, वो मत करना, कि ऑरंगटन्स से ब्रेकफास्ट जू में ही होता है, बाली जू के अंदर होता है। अब सुबह तो सारे के सारे दिनों की एक ही बार ब्लॉक हो गई, दिन में क्या करेंगे, रात में क्या करेंगे, चलो ठीक है उस बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, तो उबुद में यार आप मंकी फॉरेस्ट जा सकते हो, जहाँ पर यार कम से कम 10 से 15 हजार टूरिस्ट आता है हर महीने, हजारों मंकी मिलेंगे हर तरह का, और काफी ज्यादा खूबसूरत भी है ये जगह। उबुद का अपने आप में एक यार आर्ट मार्केट भी लगता है, अगर आपको आर्ट में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो यार जा सकते हो, खरीद सकते हो कुछ भी, इंटरेस्टिंग चीजें तो होती है। चॉकलेट फैक्ट्री बहुत ज्यादा फेमस है वहाँ पर, अगर आपको यार इंटरेस्ट है कि चॉकलेट बनती कैसे है, चॉकलेट खा भी सकते हो, अपने आप में कैफे जैसा लुक आता है, काफी सारी अच्छी अच्छी जगह है चॉकलेट फैक्ट्री के लिए, मैं रिकमेंड करता हूँ आप चॉकलेट फैक्ट्री जा सकते हो। पॉट चॉकलेट फैक्ट्री एंड बैम्बू चॉकलेट फैक्ट्री, ये दोनों के दोनों तो काफी फेमस है, इनमें से कुछ भी चूज, थोड़े भी एडवेंचरस हो तो यार उबुद में 2 और चीजें होती है, पॉट बाइकिंग बहुत ज्यादा फेमस है, वहाँ की जंगल के थ्रू ले जाते हैं, मतलब हालांकि रास्ता बनाया हुआ है पहले से, पर यार लगता एकदम जंगल जैसा है, एकदम भाई एकदम नेचुरल लगता है, तो यार वो वाली चीज कर सकते हो, काफी मजा आएगा आपको। और रिवर राफ्टिंग का अगर इंटरेस्ट में, अगर आप शौकीन हो रिवर राफ्टिंग के, तो यार वो रिवर राफ्टिंग भी कर सकते। हाँ, तो बाली का यार फेमस बाली स्विंग तो सुना ही होगा, बस यही उबुद में हो। अब यार उबुद में कई जगहों पे बन गया, पर एक्चुअली क्या है जो मेन बाली स्विंग है ना, वहाँ तो आपको मिलेगी बहुत भीड़, एक्सपेंसिव भी बहुत ज्यादा हो गया है, क्राउडेड भी बहुत ज्यादा हो गया है, फालतू का स्ट्रगल हो जाएगा। तो मैं यार सजेस्ट करूंगा कुछ और चुनना, तो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ अलोवा, अलोवा अच्छा है, एक्सपेंसिव तो ये भी है, ये भी अच्छा खासा एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव और ज्यादा बन जाएगा अगर आपने इनसे ड्रेस ले ली रेंट पे, आपने फोटोग्राफर ले लिया रेंट पे, फोटोज आपको लेने देंगे आपके मोबाइल, लेकिन अगर आप DSLR वाला एक बंदा अलग से चुनोगे जो कि डेडिकेटेड होगा आदि की फोटोज लेने के लिए, तो फिर पास बहुत सौ पैसे जैसे काफी ज्यादा ले लेते हैं। एंड झूले काफी सारे, झूलों के ऑप्शंस काफी ज्यादा हैं, आप सीनिक ब्यूटी आगे खाइए और आप बस कमाल के फोटो करते हो, मजा। स्विंग के बारे में एक और बात बताऊँ आपको, अगर छोटा बच्चा किसी को लेके जा रहे हो ना, तो छोटे बच्चे यार हर एक झूले पे अलाउड है, केवल 1 या 2 झूले पे ही अलाउड है, तो यार बच्चों के लिए थोड़ा बोरिंग हो जाता है, पहले ही बता देता हूँ। तेगुलंगन वाटरफॉल्स अगर जाते हो तो यार एक बात याद रखना कि यार एक डे क्लब है वहाँ पर, उसमें जरूर जाना भाई, बहुत मजेदार है, इन्फिनिटी पूल है, सब कुछ खाने पीने को मिलेगा, बढ़िया है, मस्त है, चिल कर सकते हो वहाँ पर, और सामने वाटरफॉल का जो व्यू है वो तो ऑसम है। कैंपुआंग रेंज वॉक एक वॉक पे बनाया हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह तक आप जा सकते हो, आपका जो ड्राइवर है एक पॉइंट पे आपको छोड़ेगा, गोल घूम के जाएगा वो और दूसरी जगह पर आपको पिक करेगा, आपको क्या करना, ड्राइवर को बोलना खेतों की तरफ आपको छोड़े, एंड पिक करने आएगा आपको वो शहर की तरफ, सिटी की तरफ। क्या होगा यार, आपको एक्चुअली नीचे की तरफ उतरना पड़ेगा, तो उसमें थकान आपको बचेगी, और ऊपर से यार जब तक ड्राइवर नहीं आता तब तक सिटी एक्सप्लोर कर सकते हो, अपन काफी सारे कैफेज हैं सब एक्सप्लोर कर सकते हो। एक और थोड़ी क्रेजी चीज है यार बाली में, मतलब यार वहां पर वो लोग क्या है सिल्वर रिंग्स वगैरह काफी बनाते हैं, एंड वो आपको बनाने का ऑप्शन भी देते, आप अगर चाहो तो यार अपने ड्राइवर को बोलना, वो आपको लेके जाएगा एक जगह जहाँ पर यार आप सिल्वर रिंग खुद की बना सकते हो, उस पर अपने पार्टनर का या खुद का नाम एनग्रेव कर सकते हो, यार एक मेमोरी हो जाएगी आपके लिए कि यार हाँ बाली गए थे तो यार ये वाला काम किया था, ये रिंग लेके आए थे वगैरह वगैरह, राइट?
बाली में मिलती है यार दुनिया की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कॉफी। अगर आप केवल और केवल कॉफी पीने के लिए भी बाली जा रहे हो तो यार कोई दिक्कत नहीं है, जाओ। हाँ, तो लोवा कॉफी का यार फंडा ये है, ये जो जानवर है ये है लोवा, एंड ये खाता है वैसे कॉफी के बीन्स, खाता है बीन्स को, उसके बाद में अगले दिन पॉटी करता है। पॉटी करता है तो उसके अंदर भाई इसके बीन्स साबुत के साबुत निकल आते, उसके बाद में पॉटी में से वो बीन्स निकालते हैं, उसके बाद में उनको सुखाते हैं, उसके बाद में फिर उनको धोते भी हैं, फिर सुखाते हैं, और फिर उनको उनका छिलका उतारते हैं, उसके बाद में उनको गर्म करते हैं, मतलब प्रोसेस करते हैं, उसके बाद में उसको कूटते हैं, और उसके बाद में कहीं जाकर वो कॉफी बनती है। तो मेरे ख्याल से यार पॉटी का तो नामो निशान नहीं रहता, पर ऐसा पागलपन करते क्यों है, मतलब लोवा को ही क्यों खिला रहा है। बात याद आती है लोवाक को इसलिए खुला, उसके पेट में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कॉफी के बीन्स को इस तरह से कुछ प्रोसेस करते हैं, कुछ ऐसा होता है उसके पेट, उसका जो फ्रेगनेंस है, उसकी जो क्वालिटीज है, वो सब कुछ एकदम से बूस्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा मतलब है ना बेटर हो जाती है कॉफी पेट में जो प्रोसेसिंग होती है। तो यही तो कमाल की बात है, इसीलिए ये है दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव कॉफी। ये तो टट्टी है, बहुत ही कम कॉफीज ऐसी हैं इनफैक्ट जो लोवा कॉफी है, क्योंकि यार महंगी बहुत ज्यादा। बाकी भी आपको कम से कम बतेरी तरह की कॉफीज मिल जाएंगी, कम से कम 50 तरह की कॉफी मिल जाएगी, सिनेमन कॉफी, हल्दी वाली कॉफी, ये कॉफी, टर्मरिक कॉफी, राइट, बहुत सारी कॉफीज आपको मिल जाएंगी, वेनिला कॉफी, कोकोनट कॉफी, पूरा का पूरा एक प्लेटर आता है, फ्री होता है टेस्ट करने के लिए। तो यार ये तो आप कर ही सकते हो, जाओगे जाके फ्री में वो प्लेटर तो टेस्ट कर ही सकते हो, उसमें लोवा कॉफी नहीं होती। ये इतने अच्छे लोग नहीं है कि आपको यार लोवा कॉफी जैसी महंगी कॉफी फ्री में पिला देंगे, वो आपको खरीद के पीनी पड़ेगी। अगर जरा भी फिट हो आप यार, तो फिर मैं आपको कहूँगा कि यार एक पूरा का पूरा दिन तो डेडिकेट करना एक ऑसम चीज के लिए, माउंट बटूर का सनराइज ट्रैक। माउंट बटूर यार एक एक्टिव वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो का मतलब उसके अंदर लावा है, धुआं भी निकल रहा है, कभी भी फट सकता है। अब ये सोच के मत जाओ कि यार अब हम जाएंगे तो फट गया, तो अब ये बस ये सोच के जाओ कि यार हम इतने भी ज्यादा अनलकी नहीं है कि हमारे जाते ही फट जाए, क्योंकि पिछले कई सालों से नहीं फटा। 2:30 बजे उठकर उस ड्राइवर के साथ में यार आपको जाना है माउंट बटूर के ट्रैक के लिए। मेरे ख्याल से यार 3:30 बजे तक आप पहुंचोगे वहां पर, 3:30 बजे आपका ट्रैक चालू होगा, 3:30 से 4 के बीच में आपका ट्रैक चालू होगा। आपको एक टॉर्च दे दिया जाएगा, कुछ वाटर बॉटल्स होंगी वो आप खुद ले लेना, आपके पास में एक छोटा सा कैरी बैग तो होना ही चाहिए, क्योंकि यार भाई रास्ते में प्यास भी लगेगी। माउंट बटूर का जो हाइट है वो एक अच्छा खासा हिल स्टेशन का हाइट हो जाता है। यही तो बात यार बाली के बारे में मुझे बहुत ज्यादा पसंद है कि यार एक तरफ आपको बीचेस मिल रहे हैं, एक तरफ आप सी लेवल पर हो एकदम, और दूसरी तरफ आप एकदम माउंट बटूर पे चढ़ते हो, तो एकदम एक ऑलमोस्ट हिल स्टेशन वाला फील आ जाता है। वो ठंड भी मिलेगी आपको, जबरदस्त वाली ठंड मिलेगी भाई। अब आपको इसके लिए क्या चाहिए, आप एक बढ़िया जैकेट भी लेके जाओगे, कपड़े हो सकता है ऊपर पहुंचते पहुंचते गीले हो जाएं, बहुत ज्यादा स्वेट करोगे क्योंकि और ज्यादा ठंड लगेगी, हवा बहुत तेज चलती है, बादल ही बादल होते हैं कई बार भाई, की प्रिपेयर्ड खासा कुछ लेके जाना ओढ़ने के लिए, कान ढकने के लिए। 1700 मीटर इसकी हाइट है, लेकिन 1700 मीटर से ज्यादा इसकी हाइट है, अभी भी टेम्परेचर राइट नाउ अभी भी आप देखो तो कम से कम 14 डिग्री का टेम्परेचर है, 14 डिग्री टेम्परेचर पे जब ठंडी हवा चलती है और जब आपके गीले हो जाएंगे कपड़े ट्रैकिंग के बाद, वो बहुत ज्यादा लगेगी आपको ठंडी। हफ्ते में बार बार बोल रहा हूँ जैकेट तो लेके ही जाना पॉस। अब बात आती है ट्रैक कैसा है, क्या काफी देर तो आपको खेतों में चलाएंगे, उसके बाद में आपको सड़क पे चलाएंगे, सड़क पे चलोगे आप थक जाओगे क्योंकि सड़क है काफी टिल्टेड, काफी ज्यादा रैंप की तरह मतलब ऊपर है उसका, ऊपर की तरफ जा रही चढ़ाई एक तरह, उसी में बहुत ज्यादा थक जाओगे, और फिर जब ऊपर पहुंचोगे जब एकदम खत्म हो चुके होंगे ना बॉस की यार अब तो मतलब अब कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद में ट्रैकिंग चालू होगी, वहां से बोलेगा कि अब पहाड़ चालू हुआ है, तो चीटिंग करता है तो समझ जाओ। ये ट्रैक मॉडरेटली डिफिकल्ट है, मॉडरेटली डिफिकल्ट का मतलब मैं तो यार डिफिकल्टी मानूंगा एक नॉर्मल आदमी के लिए, तो अगर थोड़ा भी यार कोई अनफिट है या फिर किसी के मतलब दर्द वर्द ज्यादा रहते हैं या फिर थोड़ी भी एज ज्यादा है चलने में प्रॉब्लम है तो यार बिल्कुल नो है, बिल्कुल नहीं जा सकते। कई जगह ऐसी आती है जहाँ पर यार आपको हाथों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है एंड आपको ग्रिप बनाकर ऊपर चढ़ना पड़ता है हाथों को से पकड़ के, तो ऐसा भी बहुत बार होता है वहाँ पर, ऐसे भी कई सारे रास्ते ऐसे भी हैं, कई सारी जगह ऐसी, तो यार उस लेवल का ट्रैकिंग तो आप सोच के चलना। वैसे ओवरऑल इजी है, मॉडरेटली डिफिकल्ट इसको इसीलिए बोलते हैं, पर किसी यार ऐसे इंसान जो कि चलने पर प्रॉब्लम, उसको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, एंड बच्चों को लेके जाना भी मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, बाकी आपकी मर्जी। ऊपर जाके जो व्यू मिलेगा आपको भाई वो तो ऑसम है, वो मतलब एक नंबर चीज है। आपको अगर सनराइज देखने को मिलता है तो बहुत बढ़िया, अगर बादल होते हैं तो भी बहुत बढ़िया यार, बहुत ही फॉगी और बहुत ही अच्छा सा लगता है। वैसे कई लोगों वहां पर तो मतलब इसको अनफॉर्चुनेटली मानते हैं कि बादल हो गए कुछ दिखा नहीं, लेकिन भाई दिखता है थोड़ा थोड़ा, कई बार बीच बीच में से दिखता है, तो वो लेक दिखती है, बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही बढ़िया नजारा, मजा आ जाता है। ऊपर बंदर है तो फिर यार थोड़ा सा ध्यान रखना अपने सामान का, मेरे सामने एक फॉरनर का बैग उठा के ले गया था बंदर,
कई फॉरेनर्स तो यार वहां पर जो मतलब जो रॉक्स थी वो इतनी ज्यादा गर्म थी कि उसमें अंडा उबला रहे, उस पर ऑमलेट बना रहे, खैर अपने अपने शौक है। खैर पर हाँ, इतनी गर्म जगहों पे भी आपको मिलेगी वहां पर, ऊपर ठंड तो है, हर जगह ठंड है, बट यार कुछ कुछ जगहों पर जहाँ पर आप जाओगे, कोई कोई ऐसे खोपचे हैं जहाँ पर यार आप जाओगे तो यार आपको लगेगा कितना वार्म है, कितना ज्यादा कोजी टेम्परेचर। हाँ, तो ये सनराइज ट्रैकिंग ऑलमोस्ट आपको यार 5,000 रुपए पर पर्सन पड़ेगा, कि एक ठीक ठाक सा अमाउंट है, क्योंकि काफी कुछ यार वो करवाता है, गाइड चलता है आपके साथ में, ड्राइवर है, पिकअप उसमें इंक्लूडेड है, छोड़ना ले जाना सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है, पर एक चीज में इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि बोलेंगे बट हॉट स्प्रिंग करना है क्या, हॉट स्प्रिंग करना है क्या, तो आपको लगेगा यार हॉट स्प्रिंग क्या है, नेचुरल है क्या, नेचुरल नहीं है हॉट स्प्रिंग उनका, वहाँ पर कोई भी नेचुरल हॉट स्प्रिंग है नहीं, वहाँ पर क्या मैन मेड उन्होंने बना रखा है, एक रिसोर्ट है, उसमें गर्म स्विमिंग पूल है, पूरा पूरा अच्छा मतलब ओपन है, बट यार उसका तो पानी है वो काफी ज्यादा गर्म है, तो फिर यार बस उसी चीज को हॉट स्प्रिंग बोलते हैं, उस चीज के वो शायद मेरे ख्याल से 200-300 कुछ रुपए चार्ज कर लेंगे आपसे पर पर्सन, वो यार आपकी चॉइस है, करना है तो कर लेना। इतना थक जाने के बाद में और इतनी बुरी तरह से तो लोग पूरी तरह से जूस निकल जाने के बाद में, मैं चाहता हूँ कि यार आप थोड़ा सा मसाज की तरफ ध्यान, बाली में मसाज बहुत ज्यादा फेमस है, बालीनीज मसाज बोलते हैं, स्पेशल कैटेगरी है मसाज की, कई जगहों पे होती भी है, नाम भी सुनो बाली में, तो यार बालीनीज मसाज करवाई, मसाज के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के सेंटर्स हैं, रेंज जो है बहुत ज्यादा नीचे से लेकर बहुत ज्यादा ऊपर तक जाती है, इनफैक्ट 75,000 इंडियन रुपीज तक भी रेंज जाती है, बॉस अपने हिसाब से चूज कर लेना, ड्राइवर से पूछ कर वो बताएगा वहाँ पर उस वक्त ट्रेंडिंग क्या चल रहा है। आखिरी चीज शॉपिंग, बस उबुद में शॉपिंग का एक बहुत बढ़िया और बहुत ही बड़ा मार्केट है उबुद में, भाई एकदम सेंट्रल उबुद में लगता है वो, वॉक करना वहाँ पर, आपका ड्राइवर आपको छोड़ देगा, उसके बाद में बस वॉक करो वहाँ पर, घूमो, अतरंगी चीजें मिलेंगी, अलग अलग तरह की चीजें मिलेंगी, मैं चाहूंगा यार आप जाओ जाके एक्सप्लोर करो, वहाँ पर आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जैसे एक बॉलीवुड करके एक रेस्टोरेंट है, बहुत ज्यादा महंगा है, शायद मेरे ख्याल से पूरे बाली ट्रिप का सबसे ज्यादा महंगा खाना मैंने वहीं खाया, एक्चुअली सारे के सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स महंगे हैं, मैं तो ये कहूँ वो आपके ऊपर है, पर हाँ शॉपिंग उबुद की मिस मत करना। हाँ, तो बाली में यार और भी बहुत सारी जगह है, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, हो सकता है यार आपको लगे यार मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया, बहुत सारी वाटरफॉल्स हैं, लेकिन यार उबुद से काफी ज्यादा दूर होने की वजह से मैंने उनको इंक्लूड नहीं करा, क्योंकि यार आप दूर की एक चीज करने जाओ और फिर पास की 2-3 चीजें छोड़ दो, सेंस नहीं बनता उस चीज का, राइट। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी जरा भी हेल्प हो पाई है, जरा भी मदद कर पाया हूं मैं, तो प्लीज यार आप मेरी मदद कर सकते हो, नीचे वो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन होगा उसको दबा दो,